नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं गणित की। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम आपका बस जस्ट होने ही वाला है, ये मान लीजिए अब आपको अपनी तैयारी को बहुत तेज कर देना चाहिए और अब आपको स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना चाहिए। स्मार्ट स्टडी मतलब होता है कि आपको अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो हमारी एक जो सीरीज चल रही है, आप सीरीज कह सकते हैं उसको, या फिर एक रणनीति कह सकते हैं, जो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज रणनीति करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जो हमारा टारगेट है 85 प्लस मार्क्स का, ठीक है ना, 100 में से। उसी के अंतर्गत आज मैं आपके लिए गणित गणित सब्जेक्ट को किस तरह आपको तैयारी करनी है और आप गणित में कैसे, ध्यान से समझिएगा, गणित में आप कैसे 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। आपको पता है कि 25 नंबर का गणित आने वाला है, ठीक है ना। तो उस पूरे मतलब पूरे नंबर आपको कैसे ला सकते हैं गणित में, उस पर बात करेंगे। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बताऊंगा कि आपको गणित में अगर पूरे नंबर लाने हैं 25 में से 25, तो आपको तैयारी किस प्रकार करनी है और आपको स्पीड कैसे मेंटेन करनी है। देखिए गणित में बस एक ही चीज का खेल है पूरा, स्पीड का। जिसकी स्पीड अच्छी है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि हो क्या रहा है अभी रेलवे की एग्जाम्स में बहुत ही कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी टिप्स बताऊंगा, बहुत बेहतरीन टिप्स बताऊंगा कि आप गणित में 25 में से 25 मार्क्स कैसे ला सकते हैं और आपको गणित की संपूर्ण तैयारी कैसे करनी है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखिए। छोटा सा वीडियो है, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। इसके अलावा फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गणित की तैयारी करनी है वो भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2020 में आपको 25 में से 25 नंबर कैसे लाने हैं गणित के अंतर्गत। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ, आपको कुछ टिप्स नोट करके रखना है, ठीक है ना। जब भी आप गणित की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जैसे कि आपने प्रिपरेशन तो कर ही रखी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। ये टिप्स स्पेशली है आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले। फिर आप उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं गणित के अंतर्गत। आखिरी में बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी पर रखना है, मतलब सबसे पहले किस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आखिरी में किन टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आपको अगर किसी टॉपिक को, एक टॉपिक अगर आपको टफ लगता है तो उसके क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं या नहीं छोड़ने हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा आपकी तैयारी के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात बोल रहा हूँ मैं आपको कि गणित की अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और उसमें अगर आपको गणित की तैयारी करनी है तो आपको स्पीड पर विशेष ध्यान देना है। स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टॉपर स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टॉप करते हैं गणित में, मैं आपको बता दूं कि वो अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पीड को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है गणित में। मैं आपको सबसे पहली टिप्स दूंगा कि जो आप टेबल होती है, ठीक है ना, मतलब जो पहाड़े बोलते हैं हम उनको हिंदी में, आपको कम से कम पहाड़े मिनिमम 30 तक, मिनिमम बोल रहा हूँ, 50 तक भी टॉपर लोग करके रखते हैं। जो लोग बहुत ही स्पीड से मैथ्स को सॉल्व करना चाहते हैं, जो एसएससी सीजीएल लेवल की जो तैयारी करते हैं, वो 50 तक टेबल को बिल्कुल, मतलब अगर उनसे पूछ लिया जाए कि 27 9 जा, तो वो उनको कैलकुलेट 9 का टेबल नहीं करते हैं, वो कैलकुलेट वो 27 का टेबल उनको आता है। पहली टिप तो ये हो गई आपको स्पीड बढ़ाने की। दूसरी टिप मैं बताता हूँ आपको स्पीड बढ़ाने के लिए, आपको कम से कम 30 तक टेबल तो याद करनी है। दूसरा आपको स्क्वेयर, अगर स्क्वेयर की बात करूँ मैं आपको, तो ये भी कम से कम आप 50 तक तो याद करके ही रखिए। बोल दिया आपको 29 का स्क्वायर, तो आपको गुणा नहीं करना है, 29 × 29 बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें रट लीजिए, ठीक है ना, जैसे मैथ्स रटने का होता नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें रटने वाली ही होती है, जैसे टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया, तीसरा अगर बात करूँ तो क्यूब। यकीन मानिए अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इतनी चीज़ अच्छे से याद कर ली, क्यूब भी आप एटलीस्ट कम से कम 30 तक तो क्यूब याद करके ही रखे।
अगर इतनी चीजें आपने अच्छे से कर ली तो जहां आपका मैथ्स में अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको 1 मिनट लग रहा है, वहां पर 40 से 45 सेकंड तक में भी वो क्वेश्चन हो सकता है, यकीन मानिए। क्योंकि 15 से 20 सेकंड वहीं पर ज्यादा जाते हैं जहां पर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनमें मैक्सिमम जो कैलकुलेशन होती है वो अंडर 50 ही होती है, मैक्सिमम 50 के अंदर ही हमको गुणा करने पड़ते हैं, आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम में। तो ये सबसे पहले तो कुछ छोटी सी टिप्स थी कि आप टेबल याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन टेक्निक को स्पीड अप कर लीजिए, जैसे मल्टीप्लाई कैसे करना है। आप मैं बोलूँगा आपसे कि 235 × 739, तो इसके दो तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले 9 का सब में गुणा करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे, फिर 3 का करेंगे, ये एक लंबी प्रोसेस हो गई। आप सिंपल कुछ लोग कैसे करते हैं 235 × 739, तो 9 × 5 = 45, 5 = 4 ऐसा, फिर इन दोनों का करेंगे, फिर इन तीनों का करके जोड़ेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे, फिर आखिरी में इनका करेंगे, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करते हैं। इसलिए इससे क्या है, जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। तो ये आपको मल्टीप्लीकेशन की भी कुछ स्पीड वाली टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी। आपका कैलकुलेशन स्पीड अप करने के लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेंगी, स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए, अंडर रूट्स याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इन टेक्निक्स के माध्यम से आप कुछ चीज़ें जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि आपको मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर आप सब पढ़ने बैठेंगे तो मैथ्स बहुत बड़ी है, हमको वही टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक करके हम सभी टॉपिक्स का नाम लिखेंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए मैथ्स के अंदर। आपको पता है कि 25 नंबर का आना है मैथ्स, और हमारा टारगेट है कि 25 में से 25 नंबर ही हमको चाहिए। वो एक अलग केस है कि कुछ क्वेश्चन टफ आ गए तो उनको छोड़ना है, लेकिन हमारा टारगेट 25 नंबर का ही होना चाहिए, ठीक है ना। 22-23 तक भी चल जाएगा मार्क्स लाना, लेकिन बिल्कुल टारगेट 25 का है। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स को समझ लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अगर बात की जाए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो है आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। ये बहुत ही पसंदीदा टॉपिक होता है रेलवे का, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो DI डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको भी आपको अच्छे से करना है। तीसरा जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट वो है परसेंटेज, ठीक है, मैं सभी आपको टॉपिक्स बता देता हूं। चौथा जो टॉपिक है आपका वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। पांचवा टॉपिक है आपका एवरेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं औसत। छठे नंबर पर है आपका समय और कार्य, जिसे हम बोलते हैं टाइम एंड वर्क। सेवन नंबर पर इसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, गति समय और दूरी, कौन सा टॉपिक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आ गया है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसके बाद है हमारा 11वें पे हम ले लेंगे ट्रिग्नोमेट्री और आखिरी में हम प्रोबेबिलिटी ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त भी कुछ टॉपिक्स है लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आसपास ही घूमते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो एक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन एंड प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लेकिन इनमें से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। और जो ट्रेन वाला अगर माने या फिर अगर बोट एंड स्ट्रीम की बात करें तो ये आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंतर्गत ये सब टॉपिक में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है ना, इसके अंदर इसको मान सकते हैं। अब बात आती है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर बात की जाए सिंप्लीफिकेशन की तो इससे 7 से 10 क्वेश्चन मैंने बहुत ही मैक्सिमम माने हैं, ठीक है ना,
मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी पेपर बना रही है रेलवे, तो मिनिमम 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको सिंप्लीफिकेशन के आने ही हैं, ठीक है ना। अब सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें स्पेशली बोर्ड मास जो रूल होता है, बोर्ड मास पे आधारित बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आपको बड़े बड़े ब्रैकेट्स दे दिए जाएंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई दे दिया जाएगा। बस आपको ये रूल पता होना चाहिए कि किसको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में करना है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज के यूज़ वाले क्वेश्चन भी आते हैं, सर्ट्स और सूचकांक वाले भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफिकेशन में 7 से 10 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर डीआई की बात करें तो पहले डीआई से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन लेटेस्ट में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछा गया था डीआई से। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें भी ग्रुप डी में भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाए। ये मान लीजिए जहाँ तक हमको लग रहा, अगर हम एवरेज भी ले तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको आ सकते हैं डीआई के, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आया ही है अभी एनटीपीसी CBT 2 में, लेकिन जो ग्रुप डी है उसमें 3 क्वेश्चन तक पूछ सकता है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें टेबुलर ग्राफ भी आ सकता है आपको, पाई चार्ट वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइन ग्राफ भी आ सकता है, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। सभी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। अभी आपको ये भी बताऊंगा कि मैं आपको केसेस की तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका हो गया परसेंटेज, ठीक है ना। कौन सा हो गया, यहाँ पर एक टॉपिक छूट रहा है, मैंने एक एलजेब्रा लिया कि नहीं लिया, नहीं लिया, तो एलजेब्रा भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कौन सा एलजेब्रा, एलजेब्रा छूट गया था, ठीक है ना, 13वें नंबर पर एलजेब्रा। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज जो टॉपिक है उससे भी आप ये मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे परसेंटेज से, ठीक है। जो एलजेब्रा था उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि एलजेब्रा से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। एलजेब्रा से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना, एलजेब्रा से भी। इसके बाद अगर बात की जाए नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन, इसमें आपका एलसीएम एचसीएफ इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, 100% एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये नंबर सिस्टम। इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें तो विभाजन और अवशेष से भी आते हैं, तर्क संगत वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात की जाए एवरेज वाले टॉपिक की, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है ना। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछता नहीं है रेलवे। जिसमें अगर बात की जाए तो जैसे कि औसत वजन हो गया, या फिर ऊंचाई हो गई, या फिर आयु दे दिए जाते हैं, या फिर अंक दे दिए जाते हैं, या फिर क्रिकेट से संबंधित रन बनाने वाला एक कॉन्सेप्ट लगा दिया जाता है, ठीक है ना। औसत धन व्यय, औसत तापमान, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज से। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा टाइम एंड वर्क, बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क में कितने क्वेश्चन आते हैं अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात की जाए इसमें मैंने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ एक दो इम्पोर्टेंट और टॉपिक छूट गए, एक मेंशुरेशन भी छूट गया शायद, है ना, क्षेत्र नीति। मैंने ज्योमेट्री ले लिया था, ट्रिग्नोमेट्री ले लिया था, एल्जेब्रा ले लिया, और एक मेंशुरेशन भी और ले लीजिए, ठीक है ना। आप क्षेत्र नीति, मेंशुरेशन, वैसे मैं अभी आपको जब डिटेल में पूरा गणित कंप्लीट करवाऊंगा, गणित की तैयारी करवाऊंगा, तो ये सारे टॉपिक्स को लूंगा और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी लूंगा, ठीक है ना। तो मेंशुरेशन से भी कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आप मान सकते हैं क्षेत्रमिति से, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं क्षेत्रमिति के वो सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा टाइम एंड वर्क मैंने आपको बता दिया 1 से 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें आपका बोर्ड भी ले लीजिए, बोर्ड वाला भी हो जाएगा, ट्रेन वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इंटरेस्ट, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। VIMP टॉपिक है, बहुत परेशान करा था बच्चों को NTPC के एग्जाम में इस टॉपिक ने, ठीक है ना। कुछ नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा है प्रॉफिट एंड लॉस, कितने क्वेश्चन आएंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के, आपने पूछा नहीं तो मैं बता दूं, मिनिमम 2 से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। अगर बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। ये दो टॉपिक है, जो एक हो गया आपका इंटरेस्ट और एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, इससे बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे। टाइम एंड वर्क जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है उस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। सिंपल होते हैं, आपको विद इन 20 से 30 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया। कैलकुलेटिव होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। चलिए इसके बाद की जाए अगर ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन मिल सकता है अगर आया तो, ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन तक मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है ना। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ट्रेड और एज,
जो तीन टॉपिक है इनसे भी आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। या तो बोर्ड से पूछ लेगा या फिर ट्रेन से पूछ लेगा, इन दोनों में से किसी से भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा और एक क्वेश्चन आपका एज से आ सकता है। इस प्रकार आपके टोटल 25 क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया है मोटे मोटे तौर पे। इसके अतिरिक्त जब हम इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे मैथ्स की, मैं आपको एक एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो और आपको डिटेल में इस चीज़ को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं आपको किस प्रकार मैथ्स की तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है ना, ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि तो हमको समय कम बचा है तो हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे मैंने आपको रीजनिंग में बताया था कि 250 से लगा के 300 क्वेश्चन तक मैं आपको दे सकता हूँ रीजनिंग के, उसी प्रकार मैथ्स का भी मैं बताऊंगा आपको कि लगभग 250 से 300 क्वेश्चन ही इसके भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन तो रहेंगे कि जो लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें NTPC CBT 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर अभी लेटेस्ट में SSC के एग्ज़ाम हुए थे, CHSL CGL में, उस समय किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और बचे हुए क्वेश्चन जो 150 से 200 क्वेश्चन जो रहेंगे लगभग वो हम लेंगे जो 2018 का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे उससे लेंगे। जिससे क्या होगा कि पेपर अगर उस तरह का आता है, आज से 2-3 साल पहले का आता है, तो भी हमारी तैयारी अच्छी रहेगी, और लेटेस्ट अगर ट्रेंड पर अगर पेपर आता है तो भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जितने भी टॉपिक्स मैंने भी आपको बताए हैं ग्रुप डी के अंदर मैथ्स के, वो सभी टॉपिक्स के मैं लगभग 10 से लगा के 20 क्वेश्चन तक हर टॉपिक के कंप्लीट कराऊंगा, और सभी क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड होंगे। मतलब आपको अगर एक क्वेश्चन कर लिया तो सिर्फ एक पैटर्न ही पड़ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में होता क्या है कि सिर्फ डिजिट्स चेंज होती हैं, क्वेश्चंस क्या होते हैं, अभी जितने भी NTPC की अगर एग्जाम किसी ने दी हो तो अगर आपने देखा हो CBT 2 में, तो जितने भी लेवल के एग्जाम हुए थे उनमें सभी में पैटर्न सेम था, सिर्फ डिजिट चेंज हो रहे थे। मतलब अगर आपने एक बार अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और जो क्वेश्चन आया था उसको एक बार सॉल्व कर लिया, तो अगले दिन जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा था सिर्फ वहाँ पर डिजिट चेंज हो रहे थे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इससे क्या है आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्मार्ट स्टडी में होती है, स्मार्ट स्टडी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। तो चलिए, अगर आप ये वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं अभी आपको साइंस और करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस में कैसे आपको तैयारी करनी है उसका वीडियो भी लेऊंगा, और जस्ट उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन को, जिसमें आपको GK GS जनरल अवेयरनेस मैथ्स और रीजनिंग के डेली आपको एक एक वीडियो मिलेंगे, और इस प्रकार हम आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी करवा देंगे और आपको 100% 85+ मार्क्स एग्जाम में प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।